किस्मत एक ऐसी चीज है जो आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकती है। पैसा कमाना, घर बंगला होना, अच्छा जीवन साथी मिलना सब किस्मत का खेल होता है। साथ ही आप कब कहाँ क्या कर रहे हैं सब किस्मत पर ही निर्भर होता है। एक सही समय और बढ़िया मौका आपको सफलता दिला सकता है, वहीं एक बुरा समय और गलत मौका आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ऐसे में ये कहना सत्य है कि मनुष्य के जीवन में किस्मत बहुत मायने रखती है। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपकी किस्मत कई गुना बढ़ जाएगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए वास्तु का होना अत्यंत जरूरी है। यदि घर के वास्तु में गड़बड़ी हो तो घर में नकारात्मकता फैलती है। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बल्ब जलाने से कैसे आपके बंद किस्मत के दरवाजे खुलते हैं। बल्ब का सीधा संबंध रोशनी से होता है, साथ ही रोशनी का सीधा संबंध सकारात्मक ऊर्जा से होता है। पुराने जमाने में बल्ब की जगह दीपक का प्रयोग किया जाता था। आज हम आपको बताएंगे कि घर के किस कोने में कब कहाँ कैसे बल्ब जलाने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। घर के हॉल या लिविंग रूम में कभी भी पश्चिम दिशा में बल्ब नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा को छोड़कर आप सभी दिशा में बल्ब लगा सकते हैं। हॉल में उत्तर दिशा में ट्यूबलाइट लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं और खुशियां हमेशा दस्तक देती हैं। वहीं किचन में बल्ब लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये पूर्व दिशा वाली दीवार पर ही लगाएं। यदि आपके किचन का प्लेटफॉर्म उत्तर दिशा में हो तो एक बल्ब वहां भी लगा सकते हैं। हालांकि पूर्व दिशा में बल्ब लगाना अति आवश्यक होता है, यहाँ बल्ब लगाने से अन्न की कभी कमी नहीं होती। वहीं बेडरूम की बात करें तो बेडरूम में जिस दिशा में आपका बेड रखा हो ठीक उसके सामने वाले दीवार पर बल्ब लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे शादीशुदा लाइफ में मिठास हमेशा बनी रहती है। अब बात करते हैं बाथरूम की, यानी बाथरूम में दक्षिण दिशा की ओर बल्ब कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे नेगेटिविटी ऊर्जा हमेशा घर में रहती है। शाम के समय घर के सारे बल्बों को एक बार जरूर जलाना चाहिए। अब चाहे तो बाद में थोड़े समय बाद उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि घर के आंगन पर और पूजा घर में शाम के समय कभी अंधेरा ना हो, यहाँ बल्ब जलते रहना चाहिए। ये अच्छे भाग्य के लिए बेहद जरूरी होता है। नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।